तीस आदमी दो नियत पे हाथ उठा रहे हो, तल्ले आ जाते ना बल्ले की का बॉल पड़ाना बोले आलो तो बल्ले का क्या है। हां बोली दो नियत आदमी पे तुम 20 आदमी लग रहे हैं और हां दो मेरे हाथ में लग रहा क्यों क्या कर रहे हो दो नियत आदमी पे तुम 20 आदमी लग रहे हैं और दर्पण भाई मैं अपने घर था, मुकुल और हिमांशु हमारे जो पत्रकार साथी है वो यहाँ डेयरी की कवरेज करने आ रहे थे, डेयरी मेला था कल, हम नहीं आ पाए थे यहाँ पर, वो कवरेज कर रहे थे। एक दो लोगों ने कहा कि हमारे पशु की कवरेज ना करो और उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया, वो वहां से निकल गए। इन्होंने हमें फोन करा कि ऐसे ऐसे 2-4-5 लोग थे स्टॉल में, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया। इतने में डायल 112 की गाड़ी आ गई थी, ठीक है, इतने में वो डायरेक्ट इन्होंने बताया कि वो वहाँ टेंट में बैठे हैं और डायरेक्ट 112 वाले के साथ हम वहाँ पर गए तो 3-4 आदमी थे जो सफेद कमीज वाला जिसने हमारे पत्रकार साथी को मारा वो उनको भगाने लगे वहाँ से। हमने सिर्फ ये कहा कि भाई इसको यहाँ खड़ा कर दे, पुलिस आ गई है वो अपने आप कार्रवाई करेगी। इतने में उन्होंने कुछ नहीं देखा, कम से कम 50 लोग यहाँ गवाह थे, 10 लोगों ने वीडियो बनाई है, उन्होंने हिमांशु और मुकुल को मारना शुरू कर दिया। 20-25 लोग थे, मैं बीच बचाव करता रहा, मेरे ऊपर हाथ उठाते रहे। हम पत्रकार हैं, हमें पता कि हम हाथ नहीं उठा सकते, हमारा भी एक दायरा होता है। हमने बीच बचाव करने की कोशिश करी कि हमारे पत्रकार साथियों पर हाथ ना उठाया जाए, लेकिन वो हाथ उठाते रहे, गाली गलौज करते रहे, लठ उठा के लठ मारते रहे। 85 लोगों ने यहाँ वीडियो बनाई है, वीडियो पूरी कवरेज है। हम सिर्फ पुलिस प्रशासन से सिर्फ ये अपील करेंगे कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल इनको चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एनडीआरआई प्रबंधन ने मेला जरूर लगाया हुआ है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। वो दो पत्रकार साथियों को 20-25 लोग हाथ उठाते रहे, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। मैं अकेला था, इनको बीच बचाव कर रहा था, वो मेरे ऊपर भी हाथ उठाते रहे, लेकिन और भी बड़े भाई यहाँ पत्रकार साथी थे, उन्होंने भी किसी ने जो है बचाने की कोशिश नहीं की। तो इंसानियत, हम तो खुद कई मौके पर देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ, घायल हुआ व्यक्ति है तो हम उसको उठा के जाते हैं, हम पूछते नहीं है कि भाई कौन सा फलाना जाति से है। लेकिन कम से कम 50 लोग यहाँ पर खड़े थे, उनका फर्ज था कि अगर दो आदमी समाज के जो रेपिड आदमी अगर उनको पीट रहे हैं, उनको हाथ उठा रहे हैं, तो कम से कम बीच बचाव करना चाहिए था। अब सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, बाकी जो लड़के थे सभी को उन्होंने भगा दिया। पुलिस यहाँ पर आई है, हम सिर्फ अपील करेंगे पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करें, तो मामला दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल, हम इस समय शिकायत जरूर देंगे। हालांकि एक हाथ उठाया, अगर गाली गलौज करते तो हम चलो माफ कर देते, लेकिन उन्होंने जमकर हाथ उठाया है। हम बीच बचाव करते रहे, वो हाथ उठाते रहे हमारे दो पत्रकार साथियों पे, वो बहुत ही गलत है। हम सिर्फ अपील करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमने गलत नहीं किया। और ना अभी भी धमका रहे थे वो, अब भी हम गए तो हमें कुछ गलत बोल रहे थे, समस्त पत्रकारों को गलत बोल रहे थे क्योंकि इनको बोलने का व्यवहार नहीं है, बोलने का तरीका इनको बिल्कुल भी नहीं है। गाँव से हम भी आते हैं, गाँव में सारा दिन हम रहते हैं, गाँव के भाइयों से हम बीच में रहते हैं, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करना सभी पत्रकारों के साथ, वो इन्होंने गलत किया। गलत बोलते हम सहन कर जाते, लेकिन इन्होंने हाथ उठाया। एनडीआरआई प्रबंधन के खिलाफ भी, यहाँ के जो मेला आयोजक हैं उनके खिलाफ भी हम उस एप्लीकेशन में जिक्र जरूर करेंगे। इनके सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर खड़े रहे, तमाशा देखते रहे, किसी ने बीच बचाव नहीं किया। पत्रकारों पर हाथ उठाया, हाँ बिल्कुल, दो पत्रकारों पर हाथ उठाया, बाद में मैं बीच बचाव करने लगा तो मेरे ऊपर भी हाथ उठाया, लेकिन यहाँ के जो एनडीआरआई प्रबंधन था, आयोजक थे, उनसे भी हम उनके खिलाफ भी एक्शन की कार्रवाई जरूर चाहेंगे कि उन्होंने बीच बचाव नहीं किया। हमारे डायल 112 के इंचार्ज परविंदर जी मौके पर थे, ये भी चश्मदीद है कि किस तरह से उन्होंने पत्रकारों पर हाथ उठाया और पत्रकार अपना बीच बचाव करते हैं।
सर आप वहाँ मौके पर थे, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए हम पहले पर वहाँ पर उधर जो खाने पीने वाली स्टॉल थी उस साइड थे, जैसे ही एकदम भगदड़ मची है तो हमने सोचा कि कोई पशु छूट के भाग गया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम भी उसी साइड चले गए। जब हमने देखा तो पता लगा कि किसी पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, तो पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, हमें उस टाइम तक ये पता नहीं था भी किस पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि पत्रकार झगड़ा नहीं करते जी। ये पत्रकार के साथ झगड़ा किया होगा, पत्रकार ने झगड़ा नहीं किया। लोग वहाँ पे कह रहे थे पत्रकार ने मारा, हम इस बात को डिनाई कर रहे थे, नहीं पत्रकार नहीं मार सकते। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो हिमांशु जी खड़े थे वहाँ पे, हिमांशु जी से मैं मिला, हिमांशु जी से मैंने पूछा, हिमांशु जी बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने हिमांशु जी का वहाँ पे हौसला बढ़ाया कि हिमांशु जी घबराओ ना, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो हमें बताओ। हिमांशु जी बोले नहीं, चुप रहे। कुछ देर के बाद जब वहाँ पे फिर पुलिस की जो 112 डेल आई है, उसके बाद मिड्डा जी आ गए। मिड्डा जी आने के बाद मिड्डा जी सिर्फ उनके टेंट की तरफ गए थे जी। पुलिस वो क्या ये देखने के लिए भी कौन आदमी है जी। जैसे वहाँ से हमें जो पता लगा कि वो बंदा जिसने ये मारा था, वो बंदा मिड्डा को देख के टेंट से पीछे खिसकने लगा, मिड्डा जी ने उसको पकड़ के ये कहा भाग मत भाई, बैठ जा, हमने बात कर लिया। बस उसने उन्होंने इसी बात के ऊपर आओ नीताओ मिड्डा जी के ऊपर और हिमांशु जी के ऊपर हमला कर दिया। हिमांशु जी मैंने खुद देखा है, हिमांशु जी जब उन्होंने मारा उसको तो वो नीचे गिर गया, हिमांशु जी को मैंने उठाया जी। तो उनके पास डंडे वगैरह भी थे सर? बिल्कुल थे जी, वो खुंडी भी थी डंडे भी थे, बल्कि एक खुंडी तो मैंने छीनी थी उनकी जी। तो भाग गए थे मौके से सारे वो? नहीं अभी तक तो वही थे, उस टाइम तक तो थे, उसके बाद पुलिस के आने के बाद वो भागे ना भागे उसके बाद की बात है वो। आपका परिचय? मैं नारसिंह संधु करनाल। यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, मैं जो भी सारे हालात हैं अपने SHO साहब को बता चुका हूँ, और अगर इन मिड्डा जी के साथ कोई मारपीट हो रही है वो अपने मेडिकल करवा सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं। आपके सामने भी हुआ सर आपका यहाँ भाई? मैं जो भी हालात हैं मैं थाने में SHO साहब को बता चुका हूँ, और इंचार्ज कंट्रोल रूम को मैं सारे हालात बता चुका हूँ। सर आपके सामने हुई थी मारपीट, आपने भी मारपीट? मामला क्या हुआ था, किस वजह से ये मारपीट हुई है? मारपीट यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है आशुतोष जी, उन्होंने कॉल बनाई थी भाई कुछ अनसरसरी यहाँ मेले के अंदर झगड़ा होने का अंदेशा है, तो मौके पे आए हम। मौके पे आने के बातचीत जो आए हैं तो पता लग गया भाई किसी पत्रकार भाई के साथ झगड़ा हुआ है, जिसके पता लग गया भाई मिड्डा जी के दो जो छोटे पत्रकार हैं वो ये बातचीत करने के लिए, जैसे ही वो मिड्डा जी आके टेंट में थे और हम कम से कम 15-20 कदम पीछे थे, तो हमने हाथापाई होती हुई देखी। आपने बाद में देखा कि तीनों पत्रकारों को 20-25 लोग लठ लेकर मार रहे थे? लाठी का लठ लठे उनके पास सर, डंडा भी था लाठी भी थी, एक लाठी थी जिसका बीच बचाव मैंने और जो मेरे मुलाजिम है उन्होंने कर लिया। वो खुंडी टाइप नुमा थी और 15 लड़के थे उस समय भगा दिए वो जो भी थे। मौके पे आपकी वीडियो भी है, हमारा इतना ध्यान नहीं था, हमारा सिर्फ इतना मकसद था भाई दोनों पक्षों को शांत कराया जाए और दोनों पक्षों को बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसको खत्म कराया जाए। जो सर बाकी लोग हैं अभी मौके पे नहीं है और कुछ लोगों को भी लेकर भी जा रही थी पुलिस, क्या क्या बात हुई अब उनको साथ लेकर जा रही? मैं कह रहा हूँ पवन जी आइयो मौके पे आ गए हैं, उन्होंने कहा है भी अगर किसी पक्ष के साथ अगर चाहे वो पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो अपना मेडिकल करवा ले तो ठीक है। वो तो सुनने में ही नहीं आ रहे, वो तो उस किसी की सुन ही नहीं रहे, लिख रहे हैं नाम लिख रहे हैं उनके, आप देख लो वहाँ मुलाजिम गया है उन दूसरे पक्ष का भी नाम लिखा जा रहा है जो इस मामले से संबंधित थे। हाँ जी, और आप